पश्चिम बंगाल में आज मानवाधिकार संस्था हेल्प की एक विशेष मीटिंग भारत सभा हॉल कोलकाता में संपन्न हुई। यहां पर संस्था से जुड़े समस्त कार्यकर्ताओं को संस्था के चेयरमैन श्री तपन माहिती द्वारा संस्था के कार्य प्रणाली की जानकारी दी गई। TV1 इंडिया न्यूज के लिए नवीन कुमार शर्मा की रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल। भाजपा नेता के दरिया दिल्ली में एक युवक की जान बचाई। राहुल निवासी शादाब खान अपनी बाइक से कन्नौज से बेलग्राम रोड पर जा रहा था कि तभी एक अज्ञात लोडर ने टक्कर मार दी और लोडर फरार हो गए। वहां मौजूद लोगों ने वहां पर देखा और देखकर डायल 100 और एम्बुलेंस को फोन किया। वही एम्बुलेंस और डायल 100 मौके पर न पहुँच सके। तभी भाजपा नेता निहाल खान बेलग्राम की तरफ उसी हाईवे से जा रहे थे कि वहां पर युवक को तड़पता देख अपनी गाड़ी से CHC बेलग्राम पहुँचा, जहाँ पर युवक का उपचार शुरू हुआ। जब आप पहुँचे वहाँ जी, तो क्या करनी उस आदमी की? मैं कन्नौज रोड से आ रहा था, एक युवक एक रोड के किनारे पर था, वहाँ भीड़ लगी थी, काफी लोग थे। मैंने उन लोगों से पूछा, आपने 100 नंबर को कॉल किया, अगर 100 नंबर कॉल लग नहीं रहे, मैंने कहा एम्बुलेंस किया, एम्बुलेंस का भी नहीं रहे। मैं तुरंत CHC पहुंचा अपनी गाड़ी CHC उसका बच्चे मतलब को। आप वहाँ पहुंचे जी, तो देखा युवक खून से लथपथ है और जिंदा है। जी जी जी। और आपने क्या किया? तत्काल मानवता आपने दिखाई अपनी गाड़ी से, मानवता लेके तत्काल अपनी गाड़ी से CHC बेलग्राम मोड़ गए। ड्राइवर को बोला गाड़ी भी CHC लाद के बेलग्राम पहुंचाया CHC। अच्छा, मतलब आपने अगर तत्काल न पहुंचाया होता जी जी, तो शायद आज युवक जो जिंदा नहीं होता। जी जी जी। आपने मानवता की जी जी जो शर्मसार होने से बचाया है। जी जी जी। आपका पब्लिक की वजह से धन्यवाद, मेरी तरफ से धन्यवाद। जी जी जी। आप लोगों की वजह से जी जी एक युवक की आज जान बची। TV1 इंडिया न्यूज के लिए राकेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट, बेलग्राम हरदोई।